अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आप देख रहे हैं पाक पंजाब टेलर को। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि बेगला कैसे लगाते हैं। तो हमारी पूरी वीडियो देखनी है, हमारे साथ जुड़े रहना ताकि आपको समझ आ सके। तो आइए हम दिखाते हैं आपको कि बेगला कैसे सिलाई होता है। ये अभी हमने कपड़ा लिया है। ये हमारा बेगला है। ये बेगला हम लगाएंगे। ये ऊपर से बेगला जो है ना, ये आठ है। तो अभी हम इधर, मैं अभी आपको तरीका बताता हूँ। ये इस तरह कपड़े को डबल करना है। देखो ये हमने सेंटर ले लिया, इसका ऊपर से गला है 8 इंच। तो ये देख सकते हैं सेंटर में 4 पे हमने इंची टेप को रोका है। इधर से हम 8 पे निशान लगाएंगे और इधर भी 1 पे। हमारा गला ऊपर से 8 है। अभी इसके ऊपर हम गले को बिठाएंगे। ये देख सकते हैं अभी। अभी इस तीर से इसको प्रेस करेंगे। ये आराम से रोक के इसलिए मारनी है ताकि ये कपड़े के साथ बुकरम प्रेस हो जाए। करो इसको, अभी इसको कपड़े को ऐसे हाथ से फोल्ड करेंगे। इसको इस्त्री लगाएंगे, गरम इस्त्री करके लगाएंगे। ये देख सकते हैं इस तरह हाथ से फोल्ड करते जाएंगे, साथ साथ इस्त्री मारते जाएंगे इसको। देख सकते हैं अभी हमारा कपड़ा ये फोल्ड हो चुका है। अभी कुछ सीधा करके इसलिए मार देंगे। अभी इस गले को हम कमीज के ऊपर फ्रंट के ऊपर लगाएंगे। तो आइए हम दिखाते हैं कि कैसे सिलाई होता है ये। अभी इस गले के ऊपर हम साई लगाएंगे। देखो ये बुकरम के साथ साथ पहले सही लगा लेंगे ताकि बुकरम कपड़े के साथ, ये भी इसको हम सही लगाते हैं। अंदर की तरफ से बुकरम के ऊपर सही लगानी है। ये हमारी सही लग चुकी है। अभी इस कपड़े को ऐसे हम फोल्ड करेंगे। इधर अभी इस कपड़े के ऊपर सही लगाएंगे जो हमने कपड़े को फोल्ड किया था। इस तरह उंगली के साथ 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 इसको कपड़े को फोल्ड करना है। ये हमारी सिलाई मुकम्मल हो चुकी है गले की। अभी हम फ्रंट के ऊपर कमीज के ऊपर इस गले को लगाएंगे। ये हमारा गले का फ्रंट है कमीज का। अभी इसके ऊपर हम गले रखेंगे, ये देख सकते हैं। अभी सेंटर में इसको सिलाई लगाएंगे। आप पिनी भी लगा सकते हैं इसके साथ। अभी इसके ऊपर हम पिनी लगा देंगे, ये देख सकते हैं। अभी किधर पिन लगा देंगे और एक से एक साइड पे इधर पिन लगा देंगे। देखो अभी इसको हम सेंटर में सही लगाएंगे। सबसे पहले सेंटर में इधर से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ, इससे गला आगे पीछे नहीं जाता है। ये देखो
बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है, क्या करना है बुकरम के साथ साथ। इधर हमने कपड़ा रख लिया, अभी दूसरी साइड पे सिलाई लगाएंगे। ये पिन्ने हम हटा लेते हैं, देखो अभी पिन्ने की जरूरत नहीं है। अभी अभी देख सकते हैं इतना इतना हम इसको दबाव को काट लेंगे। ये मैं निशान लगा के देता हूँ, अभी आपको नजर आ रहा होगा इतना इतना। तो पैर का दबाव हम इसको कपड़े को काट लेंगे अंदर से। इसको हमने कपड़े को काट दिया, अभी हम इसको टुकड़े लगाएंगे। लेकिन जो सिलाई लगी है उस सिलाई को नहीं काटना, उसकी सिलाई के साथ साथ ये देख सकते हैं अभी ये टुकड़े किस वजह से लगाते हैं, ताकि गला आसानी से बैठ जाए। देखो सिलाई को बचाना है आपने, जो सिलाई आपने लगाई है बुकरम के साथ ना उसको नहीं काटना, अगर उसको आपने काट दिया तो गला खुल जाएगा। अभी हम इसको इस्त्री मारेंगे, गले को पलटा देंगे। एक और बात है, गले को सीधी साइड पर रखना है, ये इस तरह सीधी साइड पर रखना है, उल्टी साइड पर गले को नहीं रखना, वो बाल पलट जाएगा। सीधी साइड पर आप गले, ये हमारा कमीज का फ्रंट है और सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है, अभी गले को उल्टी साइड पर पलटाना है। अभी सब पलटा दिया हमने, अभी हम इसको इस्त्री लगाएंगे। देख सकते हैं हमारा गला ये बन चुका है, और ये इस साइड उल्टी साइड को दिखाता हूँ, देखो अभी ये गला हमने जैसे बनाया है, सिलाई किया है, वो हमने आपको दिखा दिया कैसे इस्त्री लगाई है। तो हमारी वीडियो आपको समझ आ गई होगी कि हमने कैसे गला लगाया है और कैसे इसको इस्त्री किया है। तो आज की हमारी इतनी वीडियो है, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।